I will hoist the tricolor, respect the spirit of our freedom, fighters and brave souls, and dedicate myself to the development and progress of India. Thank you. All the best. आज मैराथन रेस रखा गया है तो ब्लैक ऑफ के साथ, तो आज का इस मैराथन रेस का क्या कहना चाहिए? गुड मॉर्निंग मीडिया फ्रेटर्निटी, आलो न्यूज एंड न्यूज यमगो टुडे, आपका माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आज का टाइम जो है तिरंगा यात्रा जो है इन द ईव ऑफ 78 इंडिपेंडेंस डे का दौरान जो है आज इस मैराथन को आयोजित किया गया है। तो जैसे हाल ही में हमारा आदरणीय मंत्री साहब श्री केंतोजिनी साहब ने बताया कि हाँ, इस बार जो है सरकार का ये मानना है कि हम जो है युवाओं को शारीरिक तौर पर फिट रखना है और स्वस्थ रखना है, तो इसलिए जो है आज का मैराथन जो है अवेयरनेस के लिए इसको आयोजन किया गया। उसके बाद एक उसमें एक मैसेज भी है कि हाँ, हम नशा मुक्त भारत बनाना है, तो वो अवेयरनेस देने के लिए ही ये मैराथन आयोजित किया जा रहा है। तो अभी मैराथन रेस का द्वारा काफी ड्रग्स को भी अवेयरनेस दिया जा रहा है हर जगह, तो आप ड्रग्स के ऊपर हम लोग का यूथ को, अभी का जो नया जनरेशन है उसको क्या अवेयरनेस देना चाहिए? यूजर का वो तो ट्रीटमेंट में बहुत तो देना नहीं चाहूँगा, लेकिन ड्रग्स जो है बहुत अच्छा चीज़ नहीं है, सभी जानते हैं, युवाओं जानते हुए भी वो जो है नशा में वो सेवन कर रहे हैं, वो जो है गलत है। हमको जीना है तो हम अपनी माँ बाप के अपेक्षा को लेकर जो है हमको जीना पड़ेगा, तो उसका जो सपना है उसको पूरा करने के लिए हमें जीना पड़ेगा, और उसे करने के लिए हम जो है शारीरिक रूप से हम स्वस्थ नहीं रहे होंगे तो वो हरगिज नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपके इस माध्यम से मैं आप आज के युवाओं को मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जो है नशा छोड़ दो और जिंदगी के मेन स्ट्रीम में आ जाइए, और जो पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई सही ढंग से करें, या तो अन्य बहुत सा ऐसे बहुत चीज होते हैं जो आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, उस मेन स्ट्रीम में वापस आ जाए। सर, आज के इस मैराथन रेस में कितना लोग पार्टिसिपेट किए? इनफैक्ट एज पर द रजिस्ट्रेशन मुझे 82 रजिस्ट्रेशन आया है, तो 82 पार्टिसिपेंट है आज के इस मैराथन में। लास्टली सर, आप एक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर है सर, तो स्पोर्ट में लेके इतना आप लोग का जो स्पोर्ट में इंटरेस्टेड है, लवर है, उन सभी को आपका तरफ से क्या स्पोर्ट में जैसे मैं इसके विषय में बहुत
जी लंबा चौड़ा बात हो सकते है, लेकिन मैं थोड़ा संक्षेप में बोल देना चाहता हूँ कि आज के दिन में हमारा गवर्नमेंट ने, सरकार ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बना दिया। जैसे हाल ही में हमारा मंत्री साहब ने बोला आपका 5% जॉब रिजर्वेशन है, देन आपका पुलिस में अभी आज बोला 30% कर दिया है, देन आप जो है ओलंपिक में आप पदक लेकर आते हैं तो 5 करोड़, देन आप सिल्वर लेकर आते तो 3 करोड़, ब्रॉन्ज लेकर आते तो 2 करोड़, और आप सिर्फ सिंपली पार्टिसिपेट करते तो 1 करोड़। तो उसको सोचकर जो है हमारा युवाओं भी खेल में रुचि रखने चाहिए। आज के दिन में हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी जो है कैश इंसेंटिव दे रहा है, नॉट ओनली कैश इंसेंटिव, और जॉब मेला द्वारा जो है लास्ट ईयर भी नेशनल स्पोर्ट्स डे में 94% जो है हमारा गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का एज पर द मेरिट बेसिस जो है नौकरी दिया गया है। तो हाल ही में हमारा वस्यांग में नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लड़का एक ही है, एक लीडर लोई जो मेडिकल टीम में अभी फिलहाल वो इंक्योंग में पोस्टेड है, जो इस जॉब ये में मिला है, जॉब कोटा में, स्पोर्ट्स जॉब कोटा में। तो मेरा अनुरोध रहे कि लड़का भी रुचि रखे, लड़की भी रुचि रखे। उसके बाद मैंने फिलहाल जो है डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन और दूसरा दूसरा फेडरेशन एसोसिएशन को स्ट्रीमलाइनिंग सही ढंग से कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थ्रो फेडरेशन एसोसिएशन जो है मिलकर हम लोग जो है आने वाले दिन में बहुत से स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे आलो में, और उम्मीद करता हूँ कि उस इवेंट से लड़का लड़कियों को बहुत सा लाभदायक होगा और वो स्टेट में क्वालिफाइड हो जाएंगे, देन नेशनल में क्वालिफाइड हो जाएंगे। Everyone, my name is Somi Samchung and I am from Siomi district Machuka, and I came from this TTC college Alo to represent our college, no, and this is my second time इसीलिए मतलब यहाँ में कल परसों मिनी जो है कि रेस हम लोग TTC college से रिप्रेजेंट किया था, उसमें हम फर्स्ट आया था, इसलिए जो है कि सर लोग जो है कि बोला है कि हमको यहाँ के लिए आज के लिए मतलब रिप्रेजेंट कर दो बोल के, इसलिए और हम एक्सपीरियंस जो है कि हमको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि जो मतलब लोग दौड़ता है वो लोग शायद एक्सपीरियंस ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा हमसे, पर हम इतना बोलेगा कि मतलब ये जो है कि एक मतलब हेल्थ के लिए ना बहुत अच्छा है, मतलब दौड़ना है ना कि मतलब किसे मतलब सर एडिट कर दे, ये जो है कि ना हेल्थ के लिए होता है, और अपना मतलब कि कितना मतलब स्टेमिनर है ना, और कितने ये जो है कि अब अगर जो है कि हर रोज मतलब रनिंग दौड़ते हैं बोलने से आपका जो है कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इतने दैट्स ऑल, थैंक यू। अभी तक आप कौन कौन सा जगह में पार्टिसिपेट? दिस इज माय फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम टीटीसी, एंड दिस इज द सेकंड टाइम। हम सीयूमी डिस्ट्रिक्ट का मानेगांव से खाल, मेरा पापा का नाम थसर न्यूमी और मेरा मम्मी का नाम ममू न्यूमी है। हम सेकेंड टाइम भाग रहे हैं, मतलब मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम किया था पर भी उसमें नहीं हो पाए, सेकेंड टाइम में हमको सेकेंड मिले, और एक्सपीरियंस तो ठीक था, मतलब गिव अप, हम ऑलमोस्ट गिव अप करने वाला था, तो भी ट्राई करेगा बोल के सेकेंड, थैंक यू।